नई सरकार में मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही सरकार की तस्वीर में इस बात की खोज की जाएगी कि देश और राजनीतिक सहयोगियों के बीच मौजूद विभिन्नताओं के मद्देनज़र किस स्तर तक संतुलन बिठाया गया है। इस लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी मौजूदा सरकार ने अपनी ओर से इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की है कि सबको अपनी नुमाइंदगी दिखे। इसके बावजूद इतने बड़े देश में सभी पक्षों को चूंकि पूरी तरह संतुष्ट करना संभव नहीं है, इसलिए अगर संतुलन के कुछ सवाल बाकी रहेंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सहयोगियों को उनकी मांग के मुताबिक जगह देना संभव नहीं हुआ, बल्कि पिछली बार खुद राजग सरकार में मंत्री रहे कई ऊंचे कद के नेताओं को भी मौका नहीं मिला। मसलन अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभु, महेश शर्मा, मेनका गांधी जैसे कद्दावर नेता मौजूदा मंत्रिमंडल में नहीं हैं। जाहिर है यह सवाल चर्चा का केंद्र जरूर होगा कि इस बार बाहर रह गए ज़्यादातर मंत्रियों के शामिल नहीं होने की वजह उनका प्रदर्शन रहा या नई सरकार में नए चेहरों को जगह देने के लिए कुछ पुराने लोगों को किनारे किया गया। यूँ अरुण जेटली ने खुद पत्र लिखकर मंत्री परिषद में शामिल नहीं होने की इच्छा जताई थी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बिहार में भाजपा की प्रमुख सहयोगी पार्टी जदयू इस बार सरकार या मंत्री परिषद से बाहर है। इसका कारण शायद यह है कि सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव जदयू को अपने अनुकूल नहीं लगा और इसलिए उसने बाहर रहने का फैसला किया। लंबे समय से भाजपा की अच्छी सहयोगी मानी जाने वाली पार्टी अगर सरकार गठन से संतुष्ट नहीं है तो यह देखने की बात होगी कि आने वाले वक्त में जदयू का क्या रुख रहता है और इसका सत्ता संतुलन में क्या असर पड़ता है। हालांकि तमिलनाडु में भाजपा की सहयोगी पार्टी अन्ना द्रमुक को भी मंत्री परिषद में फिलहाल जगह नहीं मिल सकी। इसके अलावा चुनाव में सामाजिक समीकरण की बुनियाद पर गठित गठबंधनों का सामना करने के मकसद से राजग और भाजपा ने भी इसी के मुताबिक बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की थी। यही वजह है कि नतीजे के आकलन में जातिगत समीकरणों का मुद्दा प्रमुख रहा और इसकी छाया सरकार के गठन में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुल 58 मंत्रियों में अग्रणी जातियों का प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन
अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी पर्याप्त जगह मिली है। जहाँ तक महिलाओं की नुमाइंदगी का सवाल है, पिछली राजग सरकार में मंत्री परिषद में 10 महिलाओं को शामिल किया गया था, जबकि इस बार केवल 6 मंत्रियों को जगह मिल सकी। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि नई सरकार के गठन में इस बात का ख्याल रखने की कोशिश की गई है कि समाज के सभी वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व दिखे। फिर भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि और दक्षिण भारत में खासी सीटें मिलने के बावजूद वहां से कुल 4 चेहरों की उपस्थिति और ख़ास तौर पर तमिलनाडु से 1 मंत्री भी का भी नहीं होना सत्ता में संतुलन का आकलन का आधार बनेगा। हालांकि विभागों के बंटवारे के मामले में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि देश भर में इसका सकारात्मक संदेश जाए। अब यह देखने की बात होगी कि इस समूची कवायद के बाद आने वाले वक्त में सरकार क्षेत्रीय सहित दूसरे तमाम पक्षों के साथ संतुलन कायम करने में कितनी कामयाब हो पाती है।